ओके हम लोग ये स्टेटमेंट देखेंगे द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स. ठीक है, यानी किसी ट्राइंगल में अगर कोई एक एंगल है तो एक एंगल है उसका बाइसेक्टर उसके एंगल के अपोजिट में जो साइड्स होंगे, ठीक है, उसको क्या करेगा वो डिवाइड करेगा बाकी दो ट्राइंगल के रेशियो में. ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट्स है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमको डायग्राम बनाना है. लेट्स सी द डायग्राम. ये हम लोग का डायग्राम है. इन ट्राइंगल ए बी सी रे ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी. ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल ए बी सी लिया जिसमें ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी और हमको शो करना है कि दैट बाइसेक्टर डिवाइड्स इज साइड अपोजिट टू एंगल बी ए सी दैट इज बी सी इन टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड दैट इज ए बी अपॉन ए सी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी. ओके, वापस से देख लो सब लोग जरा एक बार. ये इस ट्राइंगल ए बी सी में ये जो ट्राइंगल है उसमें ये जो बाइसेक्टर है ये बाइसेक्टर वो क्या करता है एंगल के अपोजिट. ये जो एंगल है इस एंगल के अपोजिट में साइड कौन सा है बी सी. एंगल के अपोजिट में साइड कौन सा है बी सी. तो ये जो बाइसेक्टर है इस बी सी को डिवाइड करेगा बाकी दो साइड ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी इस रेशियो में वो डिवाइड करेगा. ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल बाइसेक्टर है ए डी ये जो ए डी है वो क्या करेगा डिवाइड करेगा एंगल के अपोजिट वाला साइड. एंगल बी ए सी के अपोजिट में साइड कौन सा है बी सी. उसको डिवाइड करेगा इनटू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड यानी ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी. ठीक है, इस रेशियो में तो हमने वही लिखा है टू प्रूव में ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी. ओके, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल नहीं पाएगा बट वो हैंड रेज कर सकता है. ठीक है, हाँ इतना नोट करें प्लीज. इसके बाद इस प्रूफ में हम लोग ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते तो इसको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन. तो मैंने दूसरा एक डायग्राम बनाया यहाँ पे. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे एडी. रे एडी के पैरेलल में हमने रे एडी ये दिख रहा है ये एडी इसके पैरेलल मैंने बनाया एक सी. ठीक है, रे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे एडी पासिंग टू पॉइंट सी. ठीक है, एक्सटेंड ए सी. ठीक है, टू एस टू इंटरसेक्ट इट पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, समझ में आया. ठीक है, यहाँ पे एसी में ए बी लिख देना. ठीक है, यहाँ पे बी लिखना, बी नोट करो. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे एडी पासिंग थ्रू पॉइंट सी एक्सटेंड ए बी सो एस टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट ई. तो ये डायग्राम अभी हम लोग का हो गया. अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया एडी इज पैरेलल टू सीई. अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे वाला स्टेप प्रूफ करते हैं. एडी इज पैरेलल टू सी हमने कल देखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. एडी इज पैरेलल टू सी. अब एडी पैरेलल टू सी है देन ये हम लोग का स्टेटमेंट होगा. सबसे पहले ये हो गया गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन. अब प्रूफ में मैंने एक और डायग्राम बनाया है इन ट्राइंगल बी ई सी. अब हम लोग के पास ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है जो बी ई सी है. इसमें ए डी पैरेलल टू सी.
दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, तो इसमें बी ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, दैट इज बाय सीपीडी। ठीक है, तो ये हम लोग को आ गया बीपीडी से। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पॉइंट। अब जो हमको प्रूफ करना है उसको देखो, जो प्रूफ करना है हम लोग के पास इसमें ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, बट हमारे पास ए बी अपॉन ए ही है और राइट साइड में बी डी अपॉन डी सी, यहाँ पे बी डी अपॉन डी सी है, मतलब राइट साइड इज ओके, लेफ्ट साइड में भी ये ए बी ओके है। ठीक है, ठीक है ना, राइट साइड हम लोग है बी डी अपॉन डी सी, लेफ्ट साइड जो हम लोग का ए बी है वो भी ओके है, सिर्फ हमको क्या करना है ए सी को रिप्लेस करना पड़ेगा ए सी, ए को रिप्लेस करना पड़ेगा ए सी, हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। अब ये प्रूफ करने के लिए डायरेक्टली नहीं कर सकते, ए इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग अभी, अब यहाँ पे हमने लिया है कि एडी पैरेलल टू सी, एडी पैरेलल टू सी, ये है एडी पैरेलल टू सी। ठीक है, एडी पैरेलल टू सी फॉर ट्रांसवर्सल बीई, अगर हम लोग ये ट्रांसवर्सल लेंगे तो एंगल बी ए डी एंड एंगल ए सी, ये दोनों किस टाइप के एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने लिखा ठीक है, तो ये हम लोग का करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ठीक है, अब इसके बाद वापस अगर हम लोग बोलते हैं AD पैरेलल टू, AD पैरेलल टू C, सेम लिया अगर हमने, सेम AD पैरेलल टू C, अब इसमें ट्रांसवर्सल सी हमने चेंज किया, ट्रांसवर्स हमने लिया AC, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का एंगल DAC इज इक्वल टू AC, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से हमने चेंज कर लिया। ठीक है, पहले करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, बी ए डी इक्वल टू डी ए सी, दैट इज ऑलरेडी गिवन, इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर था तो बी ए डी इक्वल टू डी ए सी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ यूजिंग 2, 3 and 4 ऑब्जर्व करो, बी ए डी इक्वल टू डी ए सी, दैट इज फ्रॉम 4, बी ए डी लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है, बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी और डी ए सी अगर इक्वल है तो फिर दिख रहा है क्या, बी ए डी और डी ए सी ये दोनों इक्वल है 4 में। ठीक है, तो राइट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए सी, तो वही हमने लिखा है फ्रॉम 2, 3, 4, 2, 3 and 4 ए सी ई इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, ए सी इक्वल टू ए सी, बट किसी ट्राइंगल में अगर, किसी ट्राइंगल में अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले साइड यानी सेक ए और सेक ए सी भी इक्वल हो जाएगा, तो ये हम लोग को मिल गया। तो हमको जो प्रूफ करना था फ्रॉम 1, 1 में हमारे पास ए बी अपॉन ए सी, ए सी को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, ए से, तो ए सी को रिप्लेस कर दिया हमने ए को रिप्लेस कर दिया हमने ए सी से, तो यहाँ पे आ गया बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, दैट इज आर प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने बीपीटी यूज किया, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, फिर साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने, हम लोग का जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ हुआ। अब इसके बेस पे, अब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ बीपीडी, बीपीडी का एप्लीकेशन है ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सम लेते हैं जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जिसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो एक सम मैं लेता हूँ जिसमें हम लोग यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर। किसी को अगर डाउट हो तो हैंड रेज कर सकता है, अपने स्क्रीन के कॉर्नर पे 3 डॉट होते हैं वहां पे
हैंड रेस कर सकता है। ओके अब मैं आता हूं एग्जांपल पे। एक और एग्जांपल है हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, ये ठीक है क्या वो दिखेगा है ना। हाँ तो ये स्टेट क्वेश्चन देखो सब लोग, इन ट्रायंगल PQR RS इज द बाइसेक्टर। इन ट्रायंगल PQR, ये हम लोग का ट्रायंगल है PQR जिसमें RS इज द बाइसेक्टर है, ये RS है बाइसेक्टर है, जो बाइसेक्टर होगा एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, PR अपॉन QR इज इक्वल टू PS अपॉन SQ। तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर हमने लिखा PR अपॉन RQ इज इक्वल टू PS अपॉन SQ, वैल्यू हो गया हम लोग का सब्स्टिट्यूट के अंदर 15 अपॉन 20 इक्वल टू 12 अपॉन SQ। तो ऑन सॉल्विंग SQ इज इक्वल टू व्हाट, 12 इनटू 20 अपॉन 15 दैट इज ऑल आंसर इज 16। हाँ तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे BPT और एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों का एक ही क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें BPT और एंगल बाइसेक्टर वो दोनों का यूज होने वाला है। तो ये क्वेश्चन है क्या, सब लोग जरा नोट करो। इन ट्रायंगल ABC रे AC, सब लोग रीड करो पहले। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC A'D'C साइड DE पैरेलल टू साइड BC। ओके A'D'B then prove that AB upon BC equal to AE upon EC। यहाँ पे तुमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना हम लोग को, AB upon BC, ये AB ये है और ये हम लोग का BC है, ठीक है, that is equal to AE upon EB, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अगर देखे इन ट्रायंगल ABC BD bisect, तो अगर मैं बनाता हूँ एक ट्रायंगल ABC, मेरा ट्रायंगल ABC, एक मिनट ABC ट्रायंगल बना है मैंने, हाँ ABC ट्रायंगल जिसमें BD bisect कर रहा है, ये BD bisect कर रहा है। BD is bisecting, then तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अगर BD bisect करेगा, BD bisect angle भी दिख रहा है क्या डायग्राम में, तो इस तरह से AB upon BC is equal to AD upon DC। तो by using angle bisector theorem हमारे पास ये मिल जाएगा AB upon BC is equal to AD upon DC। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया जिसमें हम लोग का BD बाइसेक्ट कर रहा था, ये BD हम लोग का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये साइड AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इन ट्राइंगल ABC, ये जो इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे हमको ये भी दिया कि DE इज पैरेलल टू BC, जब DE पैरेलल टू BC है देन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं क्या, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, दैट इज ड्यू टू बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब अगर ऑब्जर्व करेंगे 1 और 2, सर आओ नहीं यार, कौन बोल रहा है यार, किसका यार, लतिका देखो आवाज में, हाँ तो फ्रॉम 1 and 2 अगर ऑब्जर्व करेंगे तो राइट हैंड साइड अगर हम लोग का सेम है, राइट हैंड साइड AD अपॉन DC AD अपॉन DC, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा हम लोग का सेम AB अपॉन DC AE अपॉन
एवी, ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड। होप एवरीवन गॉट इट। फिर से एक बार ये सम को हम लोग देखेंगे, ठीक है? फिर से देखो, इन ट्रायंगल एबीसी रे एडी बाइसेक्ट, रे एडी बाइसेक्ट, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट कर रहे हम लोग को एंगल बी को, रे इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्ट एंगल बी। तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो बाय एंगल बाइसेक्ट करके हम लोग लिख सकते एबी अपॉन बीसी इक्वल टू एडी अपॉन बीसी, ठीक है? इसके बाद सेम ट्रायंगल में अगर हमने लिया कि DE इज पैरेलल टू, DE इज पैरेलल टू BC, इफ आई से DE इज पैरेलल टू BC, देन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का से AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC। अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वन के राइट हैंड AD अपॉन DC और AD अपॉन DC दोनों सेम है, तो उनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड यानी AB अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन AB, दैट इज फ्रॉम 1 एंड 2 एंड दैट वी नीड टू प्रूव, ये हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है? जो हम लोग का प्रूफ था वो दोनों सेम है, ठीक है? ये और ये दोनों सेम हम लोग का, ठीक है? ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर और उससे रिलेटेड एक सम, और उन दोनों का एप्लीकेशन भी एक क्वेश्चन में हमने कर लिया, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग के पास आता है एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी, जिसमें हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, भूमिका मोगावीरा, भूमिका मोगावीरा नॉट नोटिंग, नोट नहीं कर रही है, ओके? तो ये हम लोग का सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी, पहला हम लोग का हुआ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है? थर्ड सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज थ्योरम। अब ये स्टेटमेंट क्या है वो हम लोग देखते हैं, लेकिन इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, इसके नीचे एक और लाइन लिख लेना रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन। जब भी हम लोग इसका यूज करेंगे हम लोग को पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, हमको लिखना रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, ओके? अभी स्टेटमेंट, ये जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट क्या है, ये रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइन। नोट करो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इतना नोट कर लो। रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय ट्रांसवर्सल, मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये डायग्राम हम लोग का, जिसमें लाइन L पैरेलल टू M, अब यहाँ पे रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन L, M, N, ये तीन लाइन पैरेलल है, ठीक है? और इनके दो ट्रांसवर्सल है T1 एंड T2, लाइन L, लाइन M, लाइन N आर पैरेलल, लाइन L लाइन L लाइन
these are parallel and transversal P1 and P2 are intersecting L and N at point ABC and PQR respectively. ABC and PQR respectively. ठीक है, फिर से सुनो ये स्टेटमेंट. लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन आर पैरेलल टू ईच अदर. टी वन टी टू आर द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस एट ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट. ओके, अब यहाँ पे यही चीज हमको क्या करना है, गिवन में लिखना है. ये गिवन हम लोग का लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन पैरेलल टू लाइन एन, टी वन एंड टी टू आर ट्रांसवर्सल. ठीक है, सब लोग ये नोट करो. और ये जो ट्रांसवर्सल है, टी वन इंटरसेक्ट द लाइन इन पॉइंट ए बी सी, टी टू इंटरसेक्ट द लाइन इन पॉइंट पी क्यू आर. एंड वी नीड टू प्रूव दैट. सी, प्रूफ क्या करना हम लोग को, दिस इज द इंटरसेप्ट. ये जो है इस रेशियो में यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, ए बी अपॉन बी सी, दीज आर द इंटरसेप्ट मेड द थ्री पैरेलल लाइन इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर. ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर. ठीक है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर. देख, ये दोनों रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल. तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, प्रूफ किया. ठीक है, ये देखो गिवन और ये टू प्रूफ. ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हम लोग. पहले इतना गिवन टू प्रूफ लिखो, फिर प्रूफ करते. ठीक है, प्रूफ सुन लो. अब इसको प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा है कंस्ट्रक्शन. ठीक है, हमको एक कंस्ट्रक्शन करना. ड्रॉ पीसी, ये जो पीसी हमने ड्रॉ किया दैट इज आवर कंस्ट्रक्शन, इसको अलग से हमने किया हुआ है. ठीक है, अब अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गया इस डायगोनल के वजह से. इस पीसी कंस्ट्रक्ट करने के वजह से दो ट्राइंगल बन गए. एक ट्राइंगल हो गया हम लोग का ए सी पी, दिख रहा है सबको. अब ए सी पी ये जो ट्राइंगल है, इसमें बी डी पैरेलल टू ए पी. ठीक है, बी डी पैरेलल टू हमारे पास क्या है, ए पी. अब बी डी पैरेलल टू ए पी है, देन बाय यूजिंग बीपीडी हम लोग बोल सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी डी अपॉन बी सी. ठीक है, फिर से सुन लो. ए सी पी इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करता हूँ बी डी अपॉन ए पी. एक मिनट, वैष्णवी नायक हैव सम डाउट, कॉन्वर्ट करो. वैष्णवी नायक, एक मिनट, उसका वीडियो भी चालू करो. हाँ, वो कर लेगा ना. तेरा कुछ प्रॉब्लम है और इसको करना क्या हुआ. वैष्णवी नायक, चलो ये बाद में कर लेंगे इसको. आगे, हाँ एवरीवन, अगेन कम टू द टॉपिक. इन ट्राइंगल ए सी पी अगर हम लोग बात करते हैं, ए सी पी में बी डी इज पैरेलल टू ए बी. तो बी डी इज पैरेलल टू ए पी, देन अगेन वी हैव बाय यूजिंग बी पी टी ए बी अपॉन बी सी, ए बी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू PD अपॉन BC. ठीक है, तो ये हमने लिखा है यहाँ पे. ठीक है, ड्रॉ सेक BC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू BD. AB अपॉन BC इज इक्वल टू BD अपॉन, बाद में ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी. ठीक है, ये हो गया कौन सा ट्राइंगल हमने यूज किया, ए सी पी. अब उसे दूसरा ट्राइंगल जो हमारे पास है, दूसरा ट्राइंगल हम लोग का है क्या, पी सी आर. ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हम लोग का है पी सी आर. ये दिख रहा है पी सी आर. सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इशू था.
हाँ वापस से आते हैं हम लोग ट्राइंगल पी सी आर, ये जो ट्राइंगल पी सी आर है इस ट्राइंगल में अगेन हम लोग देखेंगे डी क्यू इज पैरेलल टू सी आर। ओके, तो जब ये ट्राइंगल में डी क्यू इज पैरेलल टू सी आर देन अगेन वी कैन यूज बीपीटी थ्योरम। तो इस बीपीटी थ्योरम को यूज करेंगे तो पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी। ठीक है, तो अब हमने प्रूफ किया था यहाँ पे पहले ही ए बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी, और यहाँ पे पी डी अपॉन डी सी और पी डी अपॉन डी सी दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये वाले भी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, इसका नेक्स्ट ये हम लोग का। ठीक है, लेकिन सॉरी हाँ ये दोनों इक्वल हो गया। अब हमको जो चाहिए था ए बी अपन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपन क्यू आर, ये जो चाहिए था वो हम लोगों को मिल गया। दिख रहा है सबको ए बी अपन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपन क्यू आर, यहाँ पे ए बी अपन बी सी और पी क्यू अपन क्यू आर लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये फर्स्ट वाले का राइट हैंड साइड और सेकेंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फर्स्ट वाले का लेफ्ट ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए बी अपन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपन क्यू आर, ए बी अपन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपन क्यू आर, दैट इज आवर प्रूफ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अब किसी को डाउट है, वैष्णवी नायक आई थिंक शी हैव सम डाउट, तो प्लीज अनम्यूट अनम्यूट हर एंड हर वीडियो।